इसलिए उधर आजकल लोग जैसे बुखार में जैसे हम पत्थर लेते हैं
जगन्नाथ जी ये 15 दिन तक जगन्नाथ जी को एक सभा दे रहे जिसका नाम पांच चर, वो पांच तरह का गरीब उद्योग का बनता है वो सभा, और बड़ा सुंदर बड़ा पेट उसमें मलाई डाल करके और सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया वस्तु डाल करके इतने सुंदर आपको देखा होगा पता नहीं चलेगा वो इतने स्वादिष्ट बनता है, इतने स्वादिष्ट जगन्नाथ जी दवा ग्रहण करते हैं 15 दिन तक अंदर में तो आएंगे। और आज के 15 दिन तक जगन्नाथ को चावल दाल सब्जी ऊपर से तो जगन्नाथ जी के बुखार होता करते हैं लेकिन कभी ये अंदर की बात क्या है, बोले अंदर की बात और होती है और बाहर की बात होती है। फिर अंदर की बात है अभी जगन्नाथ जी को अभी उनको जाना है वृंदावन जाना है प्रेस गोपियों को मिलना प्रेस कथाओं को मिलना मैया को मिलना है ये जगन्नाथ को जाने का सुंदर आता है वृंदावन में। अगर किसी पति का ज्यादा पत्नी हो अगर पति पत्नी से बोले देखो हमको पत्नी से मैं मिलने नहीं दूसरे पत्नी से मैं मिलने के लिए जा रहा कोई पत्नी आदत नहीं कोई पत्नी कोई पत्नी से आदत नहीं तुम दूसरे पत्नी को बात नहीं क्या होता तो उसका मैंने जहाज हो जाती है उसका घर में क्रोध हो जाती है उसका घर में अगर बोले तो हम दूसरे पत्नी से मिलने के लिए जा रहे हैं इसलिए जगन्नाथ को बहुत डर है अगर मैं लक्ष्मी को धारे खोल दूँ जैसे गोपियों को साथ में राधा रानी से मिलने के लिए जा रहा हूँ जब मैं रोटी का बन रहे खाना बन रहे ये हमें खाना नहीं खिलाई है इसलिए जगन्नाथ जी क्या करते हैं अंदर में 15 दिन तक लक्ष्मी को साथ में रहते हैं किसको दर्शन नहीं देते खाना नहीं खाते दर्शन देते संकट दिन पर तो मना तो खाना तो मना नहीं लगता ये तो थोड़ी उसका आदेश देते मैं जाऊंगा संतरा को बंदा बनने और किससे बड़ी गोपियों से राजा हमने से मिल गए इसलिए 15 दिन तक अंदर में रहते कि जगन्नाथ जी बुखार की बात जब मेरे को बुखार है जगन्नाथ जी ये बुखार से ये 15 दिन के बाद में जगन्नाथ जी को बुखार से रोकते ही पूर्ण करके फिर जगन्नाथ जी को स्नान करा गया था उनका सारे श्रृंगार को निर्भर हो गया था जगन्नाथ जी उसने श्रृंगार जी को स्नान कराया गया सब इधर उधर हो जाता है और जगन्नाथ जी अंदर में चाहते सर्जन जिसको मिले थे सोचे बुखार आ गया जगन्नाथ जी को अभी 15 दिन के बाद में रथ यात्रा से एक दिन पहले उनको फिर उनको श्रृंगार करता है उनको श्रृंगार करते सुंदर करके श्रृंगार उनको अंगराज करते हैं अंगराज करके फिर रथ यात्रा से एक दिन पहले जगन्नाथ का दर्शन मिलता है जिसको कहते हैं नापर जरूर दर्शन जगन्नाथ एकदम जगन्नाथ जी सुंदर रूप सुंदर श्रृंगार के साथ हुआ फिर नए रूप में जगन्नाथ का सुंदर जब दर्शन होता है फिर भी जगन्नाथ जी 15 दिन तक खाना पीना खाए रोटी चावल खाए 15 दिन के बाद बुखार होते फिर जगन्नाथ जी फिर लक्ष्मी को बता सकते लक्ष्मी तुमने देखा है मैंने 15 दिन तक उसको दर्शन नहीं किया और तुम तेरे साथ में रहा और तुम सही गए फिर अभी तेरे साथ में मैंने रहा फिर 15 दिन तक मेरी भूखा में पड़ा रहा अभी तेरा मन अच्छा नहीं लग रहा अगर तेरी आदत हो तेरी आदत हो मैं एक दो दिन के लिए घूमा थोड़ा घूमा एक दो दिन के लिए फिर लक्ष्मी वो देखती है ये सचमुच है ये 15 दिन तक उसको दर्शन नहीं दिया 15 दिन तक खाना पीना ठीक नहीं खाए अगर
जो ठीक है ज्यादा दिन नहीं, आप एक दूसरे के लिए जाओ जल्दी घूम घाम करके आ जाए जो ठीक है, मैं केवल एक दो दिन के लिए जल्दी जाऊँगा घूम करके चला आऊंगा। लेकिन लक्ष्मी तो साथ नहीं ले जाते, वो अपना पहलेगी सुभद्रा देवी और श्री बलदेव प्रभु जगन्नाथ जी बाहर से अंदर से बाहर निकलते हैं। जब अंदर से बाहर निकलते हैं उसको कहते हैं बाहर नहीं मिले। अब चीज को देखना चीज में आप देखते ही करता है दुनिया में तब तक चीजों से देखा करो। इसलिए जब जगन्नाथ जी को अंदर से वो बाहर लाते हैं आप देखना जगन्नाथ की आंखें नहीं होते, देखो जगन्नाथ से देख रहा है आप देखना जगन्नाथ जब आते हैं तो कई जा रहे आप देखना कब जगन्नाथ एक हो जाए सब एक हो जाएंगे कभी एक हो जाएंगे कभी एक हो जाएंगे। अब देखना पसीना नहीं आते जगन्नाथ जी को देखना वो कहीं नहीं आते और धन से कैसे जिस कोई व्यक्ति शराब की ले जाता जिस कोई व्यक्ति ज्यादा शराब की ले वो कैसे चलता है लड़का में लड़का में चलता है। इसलिए जगन्नाथ जी जब अंदर जाते देखा लड़का में भी उठते गिरते पढ़ते पढ़ते जगन्नाथ जी आते हैं। बोलो भैया एक क्यों आते हैं जगन्नाथ जी एक क्यों आते हैं लड़का के लिए क्यों आते हैं। फिर ये ब्रज प्रेम में ये गोपियों को प्रेम में राधा जी को प्रेम में जगन्नाथ जी एकदम विभोर रहे। इसलिए ये रथ यात्रा का भी एक उद्देश्य है। गुरु जी ने जो रथ यात्रा के ऊपर जो ग्रंथ लिखे हैं आप पढ़िएगा उसमें क्या कारण है रथ यात्रा का। तो एक कारण है कि जब से कृष्णा वृंदावन छोड़ करके ये मथुरा मथुरा से द्वारका जब कृष्ण गए तब से ये ब्रजवासी और ब्रज की गोपियां और राधाएं सबसे कृष्ण देना में करता है। जब वहां तक कृष्ण जब गए तब से यहाँ के ब्रजवासी का सबसे भजन नहीं घर में इनकी खराई नहीं बनी कहते गैया तो घास खाना छोड़ दिए बच्चे दूर पीना छोड़ दिए कोयल ने कुहू कुहू करके छोड़ दिए मोर ने वो नाचना छोड़ दिए किसी को घर में सबसे कोई रोते हुए बच्चे कृष्ण ग्रह में दिन रात सबसे कोई रोते रहते दिन रात रोते रहते। इसलिए श्री बड़े प्रभु की उन्होंने कभी प्रयत्न देखे थे जाओ तुम ब्रजवासना कैसे किया। इसलिए कभी श्री बड़े प्रभु आए थे ये ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए। हाँ कहते राम लाने जाते हैं वहां पर तुम्हें राम मिल जाए अपना गोपियों को ले सके कई श्री नंद बाबा भोज पर बैठे गए मैया चंद्रा जी भोज पर बैठे गए बैठ करके बड़ी मिट्टी मिट्टी प्रेम के पास से उनको सांत्वना दिया। लेकिन ये ब्रज गोपियों को वो अपना गोपियों को सांत्वना दिया लेकिन ये कृष्ण के जो गोपियों को उनको भी सांत्वना दी राधा रानी को कैसे सांत्वना देंगे। इसलिए उन्होंने और देखा कि कैसे कृष्ण ग्रह में ये ब्रजवासी कैसे ठीक रात से कर्म रहे हैं कैसे दुखी दुखी ब्रजवासी बड़े प्रभु ये चीज को देखा पूरा बिरह युवा का निर्णय। जब बड़े प्रभु वापस आए कृष्ण को बोले हुए कन्हैया मैं गया था घर में देखा तेरे बिरह में ये ब्रजवास में कभी दुखी दुखी खाना पीना कोई नहीं खाते सबसे सब बिरह से कर्म पड़े
ये तुम एक बार जा जाकर के कम से कम इनको मिल करके आ। कृष्ण बोलते हैं जानता जानता, लेकिन कृष्ण जाते हैं तो बाहर आना करते हैं कि जानता जानता, लेकिन कृष्ण जाते नहीं केवल बाहर आना करते हैं बाहर आने वाला नहीं। इसलिए इसलिए एक नंबर एक एक नंबर एक क्या हुआ श्री कृष्णा जब एक समय कृष्णा एकदम राधा की बिरन में ब्रजवासियों को बिरन में एक दिन कृष्णा उनकी चिंता करते 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 कृष्णा एकदम व्यस्त हो उनका बहुत सारा मत हो जब चला गया भले अभी क्या किया जाए अभी क्या किया जाए। इसलिए सोचे जे कोई प्रयत्न जाए कि कृष्ण इस तरह से प्रयत्न ले लिया जाए कृष्ण के लिए, इसलिए कभी ये उधर उसको बोले और उधर भी रास्ता ही कृष्ण चरण जब से गए गोपिया तो तब से उधर जानी पड़ेगी जब से श्याम सुंदर गए तब से राधा रानी मोहन पर उद्धव किया पड़ेगी कृष्ण बिरानी चढ़ा रही जब उधर गए बेटा एक राधा रानी को संबल उसको भी सज्जा के ऊपर लेकर के रखा और उसको पर पापुर पर चंदन की उसको पर ले लगा रहे लेकिन कैसे वो कृष्ण बिरन कर रहा है वो अवधुत चंदन पर पूरे मृत्यु हो जाता है। जब कृष्णा एक भ्रमर बन के जाते हैं राधा रानी को मनाते हैं और राधा रानी ये भ्रमर को तरह तरह की मृत्यु विवाह सुनाते हैं वृत कृष्ण कपड़ है एक कपड़ व्यक्ति को देखना नहीं चाहते तो जन्म जन्मा का जो काले हैं जितने काले सबसे सब छोटे हैं हम एक व्यक्तियों से कोई मतलब रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए अभी अभी ये ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए अभी राधा रानी कृष्ण ग्रह में गर्भ सवर से पड़ी अभी सोच रहे हैं यहाँ से अभी वहाँ वहाँ द्वारका से किसी को भेजा जाए कहाँ पर अगर जिनको भेजा जाए वृंदावन में उनको सांत्वना देने के लिए कृष्ण जल्द से जल्द ही आ गए। श्री उद्धव जी को बोले श्री उद्धव जी तुम क्या तुम जा करके कम से कम ब्रजवासियों को सांत्वना करो भैया नहीं लड़कियों भले मैं पहले गया था और मैंने भी ब्रज का ब्रज तक से देख के क्या आया कृष्ण को सारे बात मैंने एक दिन के बताया तेरे ग्रहण में एक दुखी है ये लोग कृष्ण वाहन का जो बनाते हैं खैर अगर